الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इखलास की पांचवीं नशिस्त में आपका इस्तकबाल है, जिसमें हम बात करेंगे इखलास नजात का ज़रिया कैसे बन सकता है। आमाल कलूब में से सबसे पहले जिस चीज़ का ज़िक्र होता है वो इखलास के ताल्लुक से ही होता है और यही सारे आमाल का असल है। क्योंकि हमें बार बार यही याद दिलाया जाता है कि इंसान के अमल का दारोमदार उसकी नीयतों पर है, और अगर नीयत दुरुस्त तो अमल दुरुस्त, और अगर नीयत में रिया पाई जाए तो उसका अमल भी बेकार है और उसका बदला भी मुख्तसर। बल्कि ये बात पता चलती है कि अगर अमल इखलास के साथ किया जाए तो यही अमल हमारी नजात का ज़रिया बन जाता है, और वही अमल अगर दिखावे के लिए किया जाए तो फिर चाहे वो अमल कुछ भी हो वो काबिल कबूल ही नहीं। बल्कि वो अमल जो दिखावे के लिए किया जाए उसके ज़रिए इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये बात काबिल गौर है, और इसी बात को समझाने के लिए आज हम बात करेंगे वो हदीस के बारे में जो कि रिवायत की है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और जिसको बयान करते हुए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रो रो कर बेहोशी तारी हो जाती थी। चलते हैं, देखते हैं वो हदीस कौन सी है। तीन लोग जो जहन्नम में सबसे पहले डाले जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब भी इस हदीस के बारे में पूछा जाता तो वो इस हदीस को बयान करने से पहले इतना रोते कि वो हिचकियों पे आ जाते और बेहोश हो जाते। कई बार बेहोश होने के बाद उन्होंने जब हिम्मत जुटाई कि हदीस बयान करे तो वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह की मखलूक में से यही वो तीन लोग होंगे यौम महशर जिन्हें सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। बज़ाहिर इनके आमाल काबिल तारीफ होंगे, जैसे अल्लाह की राह में लड़ना, क़िरात कुरान और सदक़ा खैरात, लेकिन हकीकत में अल्लाह के नज़दीक इनके आमाल हुस्ना की कोई हैसियत नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह की राह में लड़ने वाले ने जंग में सिर्फ इसीलिए गया ताकि लोग उसे मुजाहिद कहें, और क़ारी कुरान भी कुरान इसीलिए पढ़ा ताकि लोग उसे क़ारी कुरान कहें, और सदक़ा देने वाले ने सदक़ा इसीलिए दिया ताकि लोग उसे सकीक कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जब हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा तो पहला शख्स जिसका हिसाब लिया जाएगा वो शहीद होगा। इसे लाया जाएगा और इस पर अता की गई नेमतों के बारे में पहचान करवाई जाएगी, वो इन्हें पहचान जाएगा। तो उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने इन नेमतों की हक़शनासी की या नहीं, तो वह कहेगा कि मैंने तेरी राह में जंग में शामिल हुआ, हत्ता कि अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। तो इससे कहा जाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने इसीलिए अल्लाह की राह में लड़ाई की ताकि लोग तुझे बहादुर समझें, तो ऐसा तुझे कहा जा चुका। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा कि इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए, चुनाचे उसे औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसके बाद इस शख्स की बारी आएगी जिसने इल्म कुरान हासिल किया होगा और दर्स व तदरीस का फरीदा अंजाम दिया होगा। इससे पूछा जाएगा, तूने क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने महज तेरी रज़ा की खातिर कुरान करीम हिफ्ज़ किया और उलूम कुरान में कमाल हासिल किया। इसको जवाब मिलेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने तो इल्म इसीलिए हासिल किया
ताकि तुझे आलिम कहा जाए, और कुरान इसलिए हिफ्ज़ किया ताकि तुझे कारी कहा जाए। इसके बाद हुक्म होगा कि इसे जहन्नम में घसीट कर फेंक दिया जाए, फिर उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसके बाद उस शख्स की बारी आएगी जिसको अल्लाह सुबहाना व ताला ने माल और दौलत से नवाजा होगा, और इसे लाया जाएगा और इसको दी गई नेमतों से आशना कराया जाएगा, और जब नेमतों की शनाख्त कर लेगा तो उसे कहा जाएगा, तुमने इन नेमतों का शुक्र कैसे किया? तो वो मालदार शख्स जवाब देगा, मैंने हर इस कार्य खैर में अपनी दौलत सर्फ की जिसमें सर्फ करना तुझे पसंद है। तेरे पसंदीदा कामों में से कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मैंने माल सर्फ ना किया हो। तो इससे कहा जाएगा, तू झूठ बोलता है, तूने ये इसलिए किया कि तुझको सखी कहा जाए, और वो कहा जा चुका है। फिर हुक्म दिया जाएगा, इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया जाए, तो फिर उसे इसी तरह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। काबिले गौर बात यह है कि ना वो कातिल होंगे, ना वो जानी, ना वो चोर उचक्के, ना वो बदमाश, ना डाकू, ना शराब नोश, बल्कि क़ारी कुरान, सदका खैरात करने वाले मालदार और अल्लाह की राह में लड़ने वाले। सिर्फ रियाकारी जैसे ख़तरनाक जुर्म की वजह से सबसे पहले जहन्नम का ईंधन उन्हें बनाया जाएगा। वाज़े रहे कि ऐसी सज़ा का मुस्तहक वही होगा जो बज़ाहिर हुस्ने अमल करे लेकिन वो अमल इखलास से खाली हो, यानी जो सिर्फ़ लोगों के लिए किया जाए या कोई ज़ाती मफाद और दुनिया फ़ानी के छोटे छोटे फ़ायदे के लिए किया जाए। इल्म फॉर फेम, यानी नामचीन बनने की नीयत से इल्म हासिल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने अगर इल्म हासिल सिर्फ इसीलिए किया कि वो कुछ दुनिया के फ़ायदे हासिल करे और उसमें अल्लाह की खुशनुदी की नीयत नहीं थी, तो ऐसे शख्स को क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी मिलना मुश्किल है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी शख्स ने भी इसलिए इल्म हासिल किया कि वो इसके ज़रिए कज फहमियों से मुनाज़रे करे और उलेमा इकराम का बतौर फ़ख्र मुबाहात सामना करे या लोगों की अपनी तरफ तवज्जह मरकूज़ करे, तो ऐसा शख्स जहन्नम का ईंधन है, वो जहन्नम में जाएगा। यानी कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं इसलिए कि वो उनसे ज़्यादा इल्म रखने वालों के साथ मुनाज़रे करें और फिर उनकी उस पर तारीफ़ की जाए कि बड़े उलेमा के साथ तुमने जो है मुनाज़रा किया या बात की और सामना किया और तुमने ऐसे ऐसे कहा, तो वो लोगों की तवज्जह बनना चाहते हैं, तो फिर कहा कि इन लोगों के लिए जहन्नम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी उन लोगों में से बनने से जो इल्म हासिल करते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। लिहाजा इखलास ही क़ियामत के दिन इंसान का उस दिन की हलनाकियों से नजात का ज़रिया साबित होगा, जहां मुखलिस लोग इखलास के साए में सुकून और चैन के साथ होंगे। जिस दिन अल्लाह सुब्हानहु ताला रियाकारों को मुखातिब करके कहेगा, जाओ जाके उन लोगों से अपना बदला लो जिनके लिए तुम अमल करते रहे, और वो तुम्हें कुछ दे सकते हो तो उनसे ले लो। इसी उन लोगों के बारे में भी ज़िक्र आया जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ माल गनीमत हासिल करने की गरज से अल्लाह की राह में लड़ने जाते हैं, तो उनको इस माल गनीमत के अलावा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब इस बात पर ताज्जुब किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुबहाना व ताला ने साफ साफ दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमाया, मैं शिर्क करने वालों के शिर्क से पूरे तौर पर मुस्तगनी होने का ऐलान करता हूँ। जिस शख्स ने मेरे साथ मेरे अलावा किसी और को शरीक किया, मैंने इससे और इसके शिर्क से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया,
वो जाने और उसका काम जाने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर इंसान कोई काम कर रहा हो और उसमें किसी और को शरीक कर रहा हो, यानी कि रिया के लिए कर रहा हो, लोगों की तारीफ़ के लिए कर रहा हो, तो फिर वो अल्लाह के लिए नहीं होगा। और जो काम अल्लाह के लिए नहीं होगा तो उसका बदला भी फिर अल्लाह सुब्हानहु ताला से लेना नामुनासिब है। यानी हम कह सकते हैं कि आमाले कुलूब में इखलास बुनियादी हैसियत का हामिल है और आज़ा व जवारह से होने वाले आमाल तो आमाले कुलूब के ताबे होते हैं। यानी दिल में अगर इखलास हो तो फिर जिस्म से किए हुए आमाल को हैसियत मिलती है कि वो बदला दिलाए। यानी जैसे कि अगर छोटा ही अमल क्यों ना हो, अगर वो इखलास से भरा हुआ हो तो वो अमल इंसान को जन्नत तक ले जा सकता है। लेकिन वही अगर बड़ा से बड़ा अमल क्यों ना हो, अगर वो इखलास से खाली हो तो फिर यही अमल इंसान को जहन्नम तक ले जा सकता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें मुखलिस इंसान बनाए, मुखलिस अमल करने वाला बनाए। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहती हूँ कि किसी बड़े आलिम ने कहा कि इखलास और रिया दिल में एक साथ नहीं रह सकते, जैसा कि आग और पानी। यानी ये दो चीज़ें जैसे नहीं मिल सकते, उसी तरीके से इखलास और रिया नहीं मिल सकते। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी हम कोई अमल करें तो वो इखलास से भरा हुआ हो और रिया तो बहुत दूर ही हो, इसके अंदर रिया बिल्कुल ही ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें रियाकारों में से ना बनाए बल्कि मुखलिस बंदे बनाए, ताकि हम नजात पाने वालों में से बन जाए। उम्मीद कि आज का मौजू आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।